घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। Thank you.
उभरे हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की, और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई दी। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों सामानों का बहिष्कार करना शुरू किया। रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे द्वीपों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बंगाल सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारा पीटी, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्ते लोगों पर गोली चला। मेरी शक्ति का है ये रंग, मेरी ताकत का है ये रंग, देश के माथे पे सजा।
रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एक का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का, इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा। आज हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी और साथ ही साथ अपने तिरंगे का सफर देखा कि किन विभिन्न आयामों से गुजरता हुआ 6 बार हमारे तिरंगे का रंग चेंज हुआ और आखिर में 22 जुलाई 1947 को हमने संविधान सभा में हमारा तिरंगा को हमने अपनाया और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में इसको स्वीकार करके राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमने इसको अपनाया। तो मैं बच्चों का भी मुझे याद है कल का जोश और हमारी टीचर्स का स्पेशली क्रेडिट जाता है जो हमारे मेरे साथी बहनें हैं लगातार मेरे एक आह्वान पर किस तरह उन्होंने सारे प्रोग्राम को संभाला और जिन जिनको विभिन्न जिम्मेदारी दी गई थी बड़ी जिम्मेदारी से सबने अपने जो भी प्रोग्राम उसको दिया गया बड़े सुचारू रूप से किया गया। अपने लिए भी और सभी के लिए पॉजिटिव रहे तो अपने आप ही एमबीए अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कोऑर्डिनेटर शिवाली जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि बड़े ही सफल आयोजन वो करा रही हैं और आज जो विभिन्न कार्यक्रमों की संयोजिका है उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ और आगे भी मुझे ये है कि आपसे इस तरह का सहयोग मिलता रहेगा और हम अपने स्माइल कॉलेज को ऊंचा उठाएं। मेरी आपसे यही गुजारिश है और इन शब्दों के लिए साथ कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्रोफेसर अंबिका राठी जी प्राचार्य स्माइल नेशन महिला महाविद्यालय और डॉक्टर पूनम गर्ग जी जो हमारी मेरी शिक्षक रही हैं और आज के कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति से और शोभा बढ़ गई है इस कार्यक्रम की। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कल की जो तिरंगा यात्रा थी उसकी एक खूबसूरती शायद आप लोगों ने महसूस कुछ मेरे साथियों ने तो महसूस की है पर मैं एक बार आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ वो ये कि हमने तिरंगा यात्रा में जो संयोजिकाएँ थी वो तो हमारे साथ चल ही रही थी लेकिन महाविद्यालय का कोई भी ऐसा साथी रुका नहीं चल पड़ा हमारे साथ और हमारे साथ तब तक चलता रहा जब तक हम चलते रहे। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात थी जो तिरंगा यात्रा में और ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ गए थे जो कभी किसी रैली में इतने लंबे अपने सर्विस के समय में किसी रैली में नहीं गए वो भी हमारे साथ थे और उन्होंने खुद कहा ये वाली बात कि मैं कभी किसी रैली में नहीं गई लेकिन इस तिरंगा यात्रा में मैं भी चलूंगी साथ। तो आगे बढ़कर सब आते गए और गाली रैली होता गया और सबसे सुंदर बात ये थी कि जिसको जो दायित्व सौंपा उसने इतने इनोवेटिव आइडियाज दिए कि ये कार्यक्रम सुंदर से सुंदरतम होता चला गया। जैसे आपने देखा होगा सेल्फी पॉइंट वो मीनू की एक पहल थी और जिसकी वजह से इतने सुंदर चित्र आपने देखे आपने खुद पाए और हमारी प्राचार्य जी का जो उत्साह था उससे हम और 100 गुना काम करने के लिए तत्पर हो गए जब वो आगे आए और उन्होंने सेल्फी पॉइंट के सबको बुला बुलाना। तो ये बहुत ही सुंदर एक भाव उनका निकला हमारे बीच में और ऐसा सुंदर हमने पहली बार देखा था और जितनी वो मुस्कुरा रही थी और जितना वो हंस रही थी वो हम सबको आह्लादित कर दिया।